दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में फुलवारी से संबंधित हमारी वीडियो है। घर पर छोटे मोटे पौधे लगाए ही जाते हैं और सबको ही पसंद होते हैं। हम भी यहाँ पर आए, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक भी पौधा नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक पौधा लगाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही रंग का ये पौधा है, यानी एक ही प्रकार के फूल आते हैं। इसमें हम कई प्रकार के अब लेकर और आएंगे, उनको भी मिक्स करेंगे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे बौड़ी के नाम से जानते हैं। इसकी किसी भी शाखा को, मतलब शाखा छोटी हो या बड़ी हो, और हर एक शाखा अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है। बस मिट्टी में अच्छी तरीके से दबा देना है, ठीक है। मिट्टी ज़्यादा ताकतवर या उपजाऊ नहीं है, फिर भी उसमें अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है ये, ठीक है। हर एक शाखा में इसमें रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, बहुत ही जल्दी ये ग्रो कर जाता है। लगभग एक महीना टाइम लगा हमारे यहाँ ग्रो करने में, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गया। तो फिलहाल आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अभी दिखाएंगे किस तरीके से हमने लगाया है, देख सकते हैं लगा रहे हैं फिलहाल। और बीच में हमने एक तुलसी का पौधा भी लगा दिया है। ब्रायोफाइलम की कुछ पत्तियाँ लेकर आए हैं, उनकी भी ग्रोथ करा रहे हैं। पत्तियों से पौधे तैयार किए जाते हैं, उसका भी वीडियो जल्द मिलेगा आप लोगों को। जब हमने लगाया था लगभग 15 दिन में, देख सकते हैं इतनी पत्तियां इसमें निकल के आई थी। उसके बाद जो है इसमें खाद, मैंने हरी खाद जो सब्जी होती थी, सब्जी का छिलका, उनको धीरे धीरे हम डालते गए और इस तरीके से पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रोथ करता गया। और देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर बर्ड्स भी आ चुकी हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको मॉस रोज कहते हैं, MOSSROSE रोज, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और इनकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, नीले भी हैं, पीले हैं, सफ़ेद हैं, बैंगनी हैं, और देख सकते हैं हमारे पास एक ही रंग का है। तो अभी हमें और भी लाने हैं, उनको मिक्स करके यहाँ पर उगाना है अपने यहाँ पर। बहुत ही अच्छे लगते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, आपके पास छोटे मोटे बर्तन एक्स्ट्रा पड़े होंगे, उनमें मिट्टी भर कर इस तरीके से लगा सकते हैं। कम लाइट में भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो, हमारा छोटा सा जो पौधों वाला मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,